Hello students, in last video lecture we have studied about the Faraday's experiments and Faraday's law of electromagnetic induction. Now today we will study the Lange's law, and Lange's law is based on the Faraday's second law. But Lange added some more points in that law. So if you have not seen that video lecture, then please go and see that video lecture and come back. Because without that video lecture, you will not be able to understand this lecture. So please go and see. Now we are going to start Lange's law. Now what is Lange's law? Lange's law is based on the Faraday's second law, and that second law is mathematically expressed by EMF induced in a coil will oppose the rate of change of flux. Simply, okay, Faraday just gave the explanation of this law. Michael Faraday ने ये बताया था कि जो EMF induced होता है, that will oppose the flux by which it is induced. जिस flux से EMF induced हुआ है, उसी का ये oppose करेगा. But Lange's explained why it will oppose. So Lange explained that phenomena with the help of conservation of energy or law of conservations. So Lange's law and law of conservation. Now what is law of conservation? वो हम समझेंगे. तो Lange ने क्या कहा कि ये जो EMF induced हुआ है, ये चेंज ऑफ फ्लक्स का अपोज करेगा. तो सिंपली क्या है Lange's लॉ, वो हम लिख लेते हैं. दैट अकॉर्डिंग टू Lange's लॉ, द ईएमएफ इंड्यूस्ड विल अपोज द change in flux, and if I am writing flux, that means I am talking about magnetic flux. Change in flux by which it was produced or induced, जिसकी वजह से induce हुआ था उसी को oppose करेगा. अब देखिए ऐसा क्यों है. देखिए देयर इज ए कॉइल इन विच सम करंट इज फ्लोइंग. दिस इज द कॉइल इन विच सम करंट इज फ्लोइंग. ओके, एंड देयर इज ए कॉइल, एक कॉइल यहां पे रखी हुई जिसमें कोई भी करंट नहीं है, और ये वाली कॉइल कनेक्टेड है किससे, गैल्वेनोमीटर से. तो ये जिसमें करंट है उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड विल लिंक विद दिस कॉइल, एंड दैट नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंकिंग विद दिस कॉइल, दैट मींस फ्लक्स लिंकिंग विद दिस कॉइल विल इंड्यूस सम ईएमएफ इन दिस कॉइल. कुछ ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है. लेकिन सवाल ये है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा. तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका डायरेक्शन तो हम बाद में जानेंगे, पहले हम ये जानेंगे कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है. तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम एक रूल पढ़ते हैं. तो देखिए, फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम एक रूल पढ़ते हैं, एंड दैट रूल इज क्लॉक फेस रूल. आपने सुना होगा इस रूल के बारे में. क्लॉक फेस रूल क्या कहता है, कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल कीजिए, उसके बाद जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा. क्या समझ में आ गई बात, ठीक है. तो देखिए करंट इसमें, इस वाले उसमें किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसकी तरफ,
इस डायरेक्शन में, मतलब करंट जो है वो फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड थंब का डायरेक्शन कहाँ है? अंदर, एंड द डायरेक्शन ऑफ थंब इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ इफ यू आर इफ द करेंट इज फ्लोइंग क्लॉक इन दिस डायरेक्शन, विच इज क्लॉक वाइज डायरेक्शन, सो द इफ द करेंट इज फ्लोइंग इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन देन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड। नाउ इफ आई लुक एट द बार मैग्नेट, सो दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल एमर्ज आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इट विल एंटर इन साउथ पोल। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज गोज इनवर्ड द साउथ पोल, साउथ पोल में जाती हैं। तो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है, दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा पोल बन रहा है? साउथ पोल। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर करेंट क्लॉक वाइज फ्लो कर रहा है, करेंट क्या है? क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज करंट, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड विल बी साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा पोल बनेगा? साउथ पोल। और इसको याद करने का तरीका क्या है? देखिए, याद करने का तरीका इसको ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन है वो कौन सा पोल बना रही है? वो बना रही है साउथ पोल, ठीक है? तो ये साउथ पोल बन रहा है। और करंट का डायरेक्शन क्या है? करंट का डायरेक्शन है, दिस इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट का। क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, अगर कंडीशन बदल जाए, यहां पे हो इस तरह का करंट, इस तरह का करंट मीन्स दिस इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, मीन्स करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, देन इन विच डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस और विच पोल इज देयर? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल गो आउट, दैट मीन्स थंब इज शोइंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज गोइंग आउट मीन्स एमर्जिंग आउट, दैट मीन्स विच पोल इज दिस? दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, गॉट इट? तो हमेशा अगर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा आपको नॉर्थ पोल मिलेगा। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है, तो नॉर्थ पोल अगर मिलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा? देखिए, ये मैग्नेटिक, ये है आपका करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ये कुछ है करंट का डायरेक्शन और ये बन गया आपका क्या? नॉर्थ पोल। करंट का डायरेक्शन ये एंटी क्लॉकवाइज, ओके, और डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ पोल है। तो ये आपको याद रखना है, बड़ा जरूरी है। दिस इज क्लॉक फेस रूल, और क्लॉक फेस रूल क्या है कि करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो आपको जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है? तो इस चीज को आप याद रखिएगा, अदरवाइज कहीं लिख लीजिए, ठीक है? चलिए, तो अब बात करते हैं इसके कि इसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह से प्रोड्यूस होंगी। तो देखिए, यहां पे आपने क्या किया, एक बैटरी लगाई हुई है और इसको एक की से कनेक्ट किया है। तो जब आपने की को क्लोज कर दिया, क्या किया? की को क्लोज। तो फॉर एग्जाम्पल, जो बैटरी की वजह से मैक्सिमम करंट फ्लो होने वाला है इस कॉइल में, वो मैक्सिमम करंट है 2 एम्पीयर, लेकिन बैटरी में की को क्लोज करते ही आपको 2 एम्पीयर नहीं मिलेगा, ये धीरे धीरे बढ़ता है। कैसे बढ़ेगा? 0.51, 1.52, और 2 पे जाके फिर कॉन्स्टेंट हो जाएगा बिकॉज इट इज डीसी। उसके बाद ये कांस्टेंट रहेगा, लेकिन 0 से 2 तक तो चेंज होगा। तो जितनी देर तक ये मैग्नेटिक, ये करंट चेंज हो रहा है, सॉरी मैं इसका डायरेक्शन बदल दूं, ये पॉजिटिव हो गई। तो जितनी देर में इसका डायरेक्शन बदल रहा है, इसका डायरेक्शन सॉरी जितनी देर में इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, उतनी देर में इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो भी चेंज होंगी, ठीक है? तो देखिए, करंट का डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां क्या बन गया? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाती है। अब ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल है, यहां पे पहले कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं थी, 0 मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी,
समझना इस चीज को। तो जीरो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो बताने जा रहा हूं, जीरो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी। तो इस कॉइल में ये कॉइल चाहती है कि यहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या रहे, हमेशा जीरो रहे, ये चेंज ना हो, ये बढ़े ना, ठीक है। अभी क्या स्थिति है कि जीरो है, ये जीरो से नहीं बदलना चाहती। तो क्या हुआ कि जैसे ही नॉर्थ पोल की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक हुई, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बढ़ना शुरू हो गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक होना शुरू हो गई तो जब इसमें करंट है वो बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन ये करंट बढ़ना नहीं चाहता, ये करंट जीरो ही रहना चाहता है। समझ में आ गई बात कि ये किसका अपोज करेगा, ये चेंज का अपोज करेगा। तो चेंज क्या हुआ है, जीरो से बढ़ना शुरू हुआ है। तो अगर ये बढ़ना शुरू हुआ है तो ये क्या करेगा, घटाना की कोशिश करेगा, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। क्या क्लियर हो गई बात? और अगर ये रिड्यूस करने की कोशिश करेगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा वो किस डायरेक्शन में बनाएगा, इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में अगर बनाएगा तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो अगेन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्या समझ में आ गई बात? अगर नहीं समझी तो एक मिनट बाद और समझ लेंगे। तो सवाल ये है कि इसने मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिड्यूस करने की कोशिश क्यों की? अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिड्यूस करने की कोशिश नहीं करता तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन होता। क्यों वायलेशन होता? कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि एनर्जी क्रिएट नहीं होगी, एनर्जी खत्म नहीं होगी, एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलेगी। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिड्यूस नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी और डायरेक्शन में बनाता, और जब ये किसी और डायरेक्शन में बनाता तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ जाती है। मतलब कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिली वो मिली 2 टेस्ला, ठीक है। और इसने भी सेम डायरेक्शन में अगर बना दी, अपोजिट डायरेक्शन में ना बना के अगर सेम डायरेक्शन में बना दी तो ये भी कितना बना देता, मान लीजिए 2 टेस्ला। आगे कॉल और कॉइल होती तो वो कितना बना देती, 2 टेस्ला। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ये पॉसिबल। एनर्जी ऐसे काम नहीं करती, एनर्जी ऐसे नहीं बढ़ती, एनर्जी हमेशा नेट एनर्जी क्या रहेगी, जीरो रहेगी, ठीक है। तो यहां 2 टेस्ला बढ़ी जो कि इससे लिंक हुई, तो ये इसका अपोज करेगा, इसको खत्म नहीं करेगा ये, लेकिन अपने अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या रहने देगा, जीरो रहने देगा। क्या समझ में आ गई बात? तो जो फ्लक्स का ये अपोज करता है वो कैसे, किस लिए करता है, ताकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हमेशा क्या करे, फुलफिल करे, वायलेट ना होने दे। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं फटाफट। So that the law of conservation will be followed. ठीक है, अब directions देखते हैं। ठीक है, directions कैसे, कि आपके पास ये बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और यहां ये कॉइल है। मजेदार चीज है। वन, एंड बार मैग्नेट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। आप बार मैग्नेट को इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो सवाल यह है कि इस वाली कॉइल में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो देखिए एक चीज कि जब आप बार मैग्नेट को इधर लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप इसको पास लेके जाते जाओगे तो इससे निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लिंक होना शुरू कर देंगी। तो जब इससे ज़्यादा से ज़्यादा लिंक होना शुरू कर देंगी तो इसका मतलब है कि इस बार मैग्नेट की वजह से इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो लिंक, वो बढ़ रही हैं। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बढ़ रही हैं तो उसकी वजह से इंड्यूस करेंट भी बढ़ना चाहिए। लेकिन यहां पे तो इंड्यूस पहले करंट जीरो था और ये जीरो ही रखना चाहता है, तो ये क्या करेगा, ये इसको बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रोकेगा। समझ में आ गई बात? बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रोकने की कोशिश करेगा। अब रोकने की कोशिश करेगा, इसका मतलब है
कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे डायरेक्शन में बनाएगा कि इस इन वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अपोज हो सके, रुक सके, ये इनका बढ़ना रुक सके। तो बढ़ना कैसे रुक सकता है? तो अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इसको रोकना है, तो एक पॉजिटिव चार्ज रखूं या नेगेटिव रखूं? पॉजिटिव रखूं ना, ठीक है। तो अगर ये नॉर्थ पोल यहां आ रहा है तो ये भी करंट किस डायरेक्शन में बनाए? नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में। और नॉर्थ पोल कैसा होता है? ये होता है नॉर्थ पोल, ये रहा नॉर्थ पोल, मतलब करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज की वजह से नॉर्थ पोल बन जाएगा, नॉर्थ पोल की वजह से करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या? ये, तो ये इसको अपोज करेगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जब ये बार मैग्नेट नॉर्थ पोल के साथ पास में आ रही है तो ये भी कौन सा पोल बनाएगा? नॉर्थ पोल। सेकेंड, मान लीजिए कि नॉर्थ की बजाय साउथ आ रहा हो पास में, कॉइल यही है, सेम कॉइल है। अब सवाल यह है कि अब कौन सा पोल बनेगा? तो देखिए, माइनस अगर आ रहा है पास में माइनस अगर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो साउथ की वजह से भी इंक्रीज ही हो रही है ना। तो माइनस अगर पास में आ रहा है तो इसको रोकने के लिए कौन सा आपके पास चार्ज होना चाहिए, माइनस या प्लस? तो माइनस चार्ज ही होना चाहिए, मतलब साउथ अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो उसको रोकने के लिए साउथ पोल ही यहां बनेगा, और साउथ में डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज। मैंने सॉरी हाँ सही, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए थर्ड, अब क्या हो रहा है, इस वाली कंडीशन को समझिएगा कि एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, और बार मैग्नेट को लेके आप जा रहे हो, दूर जा रहे हो। यहां समझने की कहानी है कि बार मैग्नेट पहले कॉइल के अंदर थी, अब आप दूर लेके जा रहे हो। ये बिल्कुल वैसा है कि आपने एक बच्चे को टॉफी खिलाई, ठीक है, अब आप उससे टॉफी छीन रहे हो, वो छीनने देगा क्या टॉफी? पहले उसे टॉफी का आइडिया नहीं था, तो आप उसे टॉफी दे रहे थे तो वो नहीं ले रहा था, लेकिन अगर आपने उसको टॉफी दे दी, अब आप उससे छीनने की कोशिश करो तो वो वापस नहीं छीनने देगा आपको। बिल्कुल केस इसका है, जब बार मैग्नेट पास आ रही थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही थी, तो ये बढ़ने नहीं दे रहा था, उसका अपोज कर रहा था। किसका अपोज करेगा? चेंज का अपोज करेगा, ठीक है ना। तो ये बढ़ने का अपोज कर रहा था, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डूब जा रही हैं, ठीक है, डूब जा रही हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं। तो अब ये कम होने का अपोज करेगा, वो बच्चा टॉफी छीनने नहीं देगा आपको, पास में खींचेगा। तो ये कॉइल इसको वापस से पुल करने की कोशिश करेगी, तो उस कोशिश में, मतलब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिड्यूस हो रही है तो ये बढ़ाने की कोशिश करेगी, हमेशा चेंज को का अपोज करती है। तो उस कंडीशन में यहां इसको किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी चाहिए? तो देखिए, अगर एक पॉजिटिव चार्ज डूब जा रहा है तो इसको रोकने के लिए कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव रखा जाए या नेगेटिव रखा जाए? पॉजिटिव तो और ज्यादा रिपेल कर देगा, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, मतलब अपोजिट। तो नॉर्थ पोल अगर दूर जा रहा है तो यहां पे कौन सा होना चाहिए? साउथ पोल। साउथ पोल का डायरेक्शन ये, समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, फोर, बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, बार मैग्नेट दूर जा रही है, ठीक है। अब देखिए, यहां पे कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगेन रिड्यूस हो रही है, कौन सा चार्ज? मान लो कि नेगेटिव चार्ज डूब जा रहा है, तो नेगेटिव चार्ज को पास लाने के लिए कौन सा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव, मतलब नॉर्थ, साउथ जा रहा है, तो यहाँ कौन सा बन जाएगा? नॉर्थ। और नॉर्थ कैसे बनाते हैं हम? नॉर्थ बनाने का तरीका है हमारा, सॉरी, नॉर्थ बनाने का तरीका है ये, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गई बात? क्या क्लियर हो गया? तो ये चारों कंडीशन क्लियर होनी चाहिए आपको, और एक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इंक्रीज होंगी तो कॉइल उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगी, और अगर रिड्यूस होंगी तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। एक क्वेश्चन ले लेते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज से,
देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एनसीईआरटी में कुछ अलग नेमिंग हो सकती है, कुछ अलग तरह से फॉर्म हो सकती है उसके बेसिस पे, और आपको फर्स्ट क्वेश्चन जरूर करना है एनसीईआरटी का, और सेकंड और थर्ड भी, क्योंकि सेम है। नॉर्थ पोल बार मैग्नेट के साथ पास में आ रहा है, ये कॉयल है, और कॉयल के साथ ये रेक्टेंगुलर कॉयल कनेक्टेड है। हमें ये बताना है कि रेक्टेंगुलर कॉयल में करेंट का डायरेक्शन क्या होगा, समझ में? तो देखिए डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ पोल पास में आया तो नॉर्थ का अपोज करने के लिए नॉर्थ ही बनेगा, ठीक है। नॉर्थ बनेगा मतलब कि यहां पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब करंट जो है वो ऐसे फ्लो करने वाला है, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब करंट का डायरेक्शन ये गया, ठीक है, ये यहां से ऐसे आया, ये ऐसे, उसके बाद ये ऐसे और ये ऐसे, करंट फिर यहां से यहां आ जाएगा, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, और ये करंट इस तरह से फ्लो करना शुरू कर देगा। मतलब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन होगा क्यू आर पी क्यू, ये करंट का डायरेक्शन होगा। क्या समझ में आ गई बात, इस तरह से आपको बताना होता है। एक क्वेश्चन और है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ध्यान दीजिएगा। ये एक नहीं, सही से बना देता हूं मैं इसको, ये एक लूप है, ये एक लूप है, ठीक है। इस लूप को खींचा खींचा और खींच के इसको शेप जो लूप को दे दी, फाइनली वो लूप को शेप ये वाली दे दी। मतलब ये क्या था, ये इनिशियल शेप थी, इनिशियल शेप ये वाली, ठीक है, और ये है फाइनल शेप। हमें ये बताना है कि इस वाले लूप में करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। तो देखिए लूप का अगर आपने एरिया बढ़ा दिया है, सर्कल है, सर्कल का एरिया मैक्सिमम होता है, अगर आपने लूप का एरिया बढ़ा दिया है तो उस कंडीशन में होगा क्या कि इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो भी बढ़ जाएंगी। अब देख रहे हैं, पहले कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी, अब ज्यादा पास होंगी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास होंगी तो इसका मतलब है कि इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही है, तो ये बढ़ने का अपोज करेगा, बढ़ने का भी अपोज करता है, घटने का भी अपोज करता है। बढ़ने का जब बढ़ती है तो रिड्यूस करता है, जब रिड्यूस होती है तो बढ़ाता है, ठीक है। तो इससे जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेंगी तो ये रिड्यूस करेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ है, अंदर की तरफ, ये कहाँ बनाएगा, बाहर की तरफ। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, पी क्यू आर, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन बताना है करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनिशियली ये थी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा, इंड्यूस होगी इसमें, वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पी क्यू आर पी। तो आपको ऐसे पता होना चाहिए, आपको आना चाहिए कैसे हम करंट का डायरेक्शन निकालें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बेसिस पे। तो स्टूडेंट्स आज ये यहाँ कंप्लीट होता है, टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द मोशनल ईएमएफ, ठीक है, और फिर उसके बाद हम और लेक्चर्स पढ़ेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस, आईडी करेंट, म्यूचुअल इंडक्टेंस।